हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्राउड में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की तरफ से आने वाले एक लाइनअप स्मार्टफोन के बारे में, जिनका नाम होने वाला नोट 10 प्रो। तो ये स्मार्टफोन मार्केट में कब और किस स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ लॉन्च हो सकती है, तो आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रेडिक्शन पर बेस्ड है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस मोबाइल में डिस्प्ले 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 120 हर्ट्ज के साथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। साथ ही इस फोन में 16 बिलियन कलर एंड HDR+10 की सपोर्ट रहेगा, जिससे कि मल्टीमीडिया कंटेंट की क्वालिटी और भी ज्यादा बेटर होने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस मोबाइल की परफॉर्मेंस की। तो इस स्मार्टफोन में दी गई है न्यू सिलिकॉन चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर हाई ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है और ये प्रोसेसर डुअल 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करती है। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड होगा। तो रियलमी का ये स्मार्टफोन 6 और 8 GB रैम ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, जहां 128 GB इंटरनल स्टोरेज की भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो इस फोन में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है दोस्तों, जो कि स्मार्टफोन के हीटिंग इशू को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखती है और गेमिंग परफॉर्मेंस के स्मूथनेस को 99% तक इंक्रीज कर देती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में रियर साइड में क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा और इस बार OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी का वीडियो 60 FPS में शूट कर पाएंगे। साथ में ओदर 3 कैमरा लेंस के बाद करें तो यह भी LED फ्लैश के साथ देखने को मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो एंड डेप्थ जैसे फीचर यूज कर पाएंगे। साथ ही अगर बात करें फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेंसर प्रोवाइड की गई है, जिसके हेल्प से काफी बेटर क्वालिटी का इमेज कैप्चर कर पाएंगे और फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p में 30 FPS में रिकॉर्ड शूट कर पाएंगे। साथ ही फ्रंट कैमरा की हेल्प से वीडियो कॉलिंग एंड फेस लॉक जैसे फीचर भी यूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते इस फोन की पावर बैकअप की। तो इस फोन में दी गई 5000 mAh की नॉन रिवॉल्व पावरफुल बैटरी, जो कि टाइप सी के साथ में आने वाली है और इस फोन में प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है और साथ ही AI फेस लॉक जैसे फीचर भी है, जो कि काफी क्यूट और रिलायबल होंगे। इनका यूज करके फोन की डेटा को फुल्ली सिक्योर कर पाएंगे। एडिशनल फीचर की बात करें तो दोस्तों इस मोबाइल में दी गई है 3.5 mm जैक, डुअल स्टूडियो स्पीकर, कंपास सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरो सेंसर एंड डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर देखने को मिल सकता है। तो इस स्मार्टफोन में IP68 सर्टिफाइड फोन हो सकता है। ओवरऑल ये फीचर फोन वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ स्मार्टफोन होगा। तो वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले इस फोन की प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इस फोन के प्राइस अप्रॉक्स 25 से 30K के बीच में हो सकती है और ये स्मार्टफोन 2023 में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।